कोटा के राजीव गांधी नगर के गर्ल्स हॉस्टल से चार लड़कियों के गायब होने को लेकर बीती रात एक दर्जन युवाओं ने हंगामा किया था। इसके विरोध में आज कोटा व्यापार महासंघ और राजीव गांधी नगर हॉस्टल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इलाके में हॉस्टल संचालकों से अवैध वसूली के लिए युवाओं के गिरोह सक्रिय है और इस तरह के आरोप लगाकर चौथ वसूली की फिराक में रहते हैं। करेंगे अगर कोटा में किसी भी प्रकार की चोट वसूली की साजिश रची गई, चोट वसूली की गई, पूरे कोटा के व्यापारी उठ खड़े हुए और इससे हम घबराने वाले नहीं। इस तरह के असामाजिक तत्वों से हम निपटना जानते हैं। हमने कोटा व्यापार महासंघ के माध्यम से किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा किसी भी क्षेत्र में चोट वसूली नहीं होने दे रहे। मैं जितने भी बच्चे रहते हैं हमारे साथ उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, उसके लिए हम कहाँ जा रहे हैं एक मेंटेन होता है रजिस्टर और बच्चों की इवनिंग में रात को 9 बजे 10 बजे एक अटेंडेंस ली जाती है हर रूम में जाके कि सारे बच्चे वहीं पर रहना कहीं गए हुए नहीं है। और 7 बजे बाद हमारे यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में स्पेशली मैक्सिमम हॉस्टल्स में किसी भी बच्चे को बाहर नहीं जाने दिया जाता। कोटा के 5 वकीलों ने केंद्र